हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो जो है लेसन नंबर 2 9 स्टैंडर्ड अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 2.4 और 2.5 दोनों का वीडियो आज हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, ये जो वीडियो है इसमें हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, उसके बाद फिर रैशनलाइजिंग कैसे करना है वो भी देखेंगे। बच्चों, आपको ये बात तो अच्छी तरह मालूम है कि अगर मान लो इस वे से रूट फाइव माइनस रूट टू दिया है तो आप ये सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हो, तो क्या एडिशन कर सकते हो? नहीं बच्चों, आप एडिशन भी नहीं कर सकते। अब मल्टीप्लिकेशन के बारे में क्या, हमने पहले भी देखा है कि इस वे का मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है, दोनों को एक ही रूट में लाओगे और आप इस डायरेक्टली से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। तो अब यहां पर चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, रूट थ्री ब्रैकेट रूट सेवन माइनस रूट थ्री इक्वल टू का साइन दे दो, रूट थ्री इंटू रूट सेवन माइनस रूट थ्री इंटू रूट थ्री। अब मल्टीप्लीकेशन करते समय ये दोनों नंबर्स एक ही रूट के अंडर आ जाएंगे और ये भी एक ही रूट के अंडर आ जाएंगे, तो ये तो रूट 21 हो जाएगा। और आपको मालूम है कि इसका ऑर्डर 2 है और यहाँ पे 3 स्क्वायर हो गया। जब अंदर वाला पावर और बाहर वाला ऑर्डर सेम हो तो नंबर क्या होता है, रूट से बाहर आ जाता है, तो 3 × 3 रूट 9 होगा और इसका आंसर होगा 3। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना, एकदम इजी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन था। अब सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया आपको, रूट फाइव माइनस रूट सेवन इंटू क्या है, रूट टू है। अब रूट टू क्या होगा, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो रूट फाइव इंटू क्या आएगा, रूट टू माइनस रूट सेवन इंटू फिर से क्या आएगा, रूट टू। अब यहां पे क्या हो जाएगा, फाइव इंटू टू और यहां पे क्या हो जाएगा, 7 × 2। तो बच्चों ये हो जाएगा रूट 10 और ये हो जाएगा रूट 14, एकदम इजी। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन 3 ध्यान से देखो, 3 रूट 2 माइनस रूट थ्री एक ब्रैकेट में और फिर 4 रूट थ्री माइनस रूट टू। तो बच्चों अभी ये क्या होगा, ये 3 रूट टू पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, फिर रूट थ्री भी क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। तो पहले इक्वल टू का साइन दे देते हैं, 3 रूट टू 4 रूट थ्री माइनस रूट, फिर यहां पे क्या आएगा, माइनस रूट थ्री, 4 रूट थ्री माइनस क्या होगा, रूट टू। अब 3 रूट टू इंटू 4 रूट थ्री माइनस 3 रूट टू इंटू रूट टू माइनस रूट थ्री इंटू 4 रूट थ्री माइनस रूट थ्री इंटू माइनस रूट टू। तो अभी बच्चों ये बात ध्यान देने का, रूट के बाहर जो नंबर्स होंगे उनका बाहर मल्टीप्लीकेशन होगा और जो नंबर रूट के अंदर होंगे उनका रूट के अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 × 2 माइनस। अब रूट थ्री इंटू क्या होगा, 4 रूट थ्री, तो 4 वैसे ही रहेगा और ये चला जाएगा रूट के अंदर, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहां पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ना और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस, फिर यहां पे क्या आ जाएगा, 3 × 2। अब बच्चों ये हो जाएगा 12 रूट सिक्स माइनस 3 × 2 × 2 तो रूट से बाहर आ जाएगा, माइनस 4 × 3 × 3 ये रूट से बाहर आ गया और प्लस क्या हो गया, रूट सिक्स हो गया, राइट। तो अब यहां पे क्या आ गया, 12 रूट सिक्स 3 × 2 6 माइनस 4 × 3 माइनस 12
प्लस क्या आ गया रूट सिक्स। तो बच्चों क्या करोगे, 12 रूट सिक्स और रूट सिक्स को एक साथ ले लो और माइनस सिक्स और माइनस ट्वेल्व को एक साथ ले लो, तो ये हो गया 13 रूट सिक्स माइनस 18। तो ये आपका आंसर था। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। 2.4 का सेकेंड क्वेश्चन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब बच्चों रैशनलाइज द डिनोमिनेटर इसका कंसेप्ट आप 2.3 में सीख चुके हो, मगर यहां पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है रैशनलाइज में। अब यहां पे क्या दिया, 1 अपॉन रूट सेवन प्लस रूट टू दिया, उसमें खाली एक ही नंबर आपको दिया था रैशनलाइज करते समय, यहां पे टू नंबर्स है। तो यहां पर एक नया कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट पेयर, कॉन्जुगेट पेयर। अब ये क्या होता है पहले आप समझ लो, अगर आपको रूट सेवन प्लस रूट टू दिया है और पूछेगा इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, तो बच्चों इसका कॉन्जुगेट पेयर होगा रूट सेवन माइनस रूट टू। ये जो प्लस वाला साइन है ना, ये चेंज कर देने का, कोई भी एक का साइन चेंज कर देने का, राइट। अब आपको एक फॉर्मूला तो मालूम ही है, ए प्लस बी इंटू अगर ए माइनस बी है तो उसका आंसर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहां पर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कॉन्जुगेट पेयर कैसा ढूंढने का ताकि ये फॉर्मूला अप्लाई हो सके, तो रूट सेवन प्लस रूट टू का कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, रूट सेवन माइनस रूट टू। तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब क्या होगा, रूट सेवन का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर। तो ये सेवन माइनस टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइव आ गया। अगर बच्चों मैंने आपको ऐसा दिया माइनस रूट सेवन प्लस रूट टू, इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, ये एक्चुअली क्या है, माइनस रूट सेवन प्लस रूट टू, मतलब रूट टू माइनस रूट सेवन है। तो ये क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट पेयर के लिए, यहां पर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूट सेवन माइनस क्या हो जाएगा, रूट टू। ये ए माइनस भी अभी आपको प्लस करना रहेगा ना, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर में क्या आ जाएगा, प्लस कर दो, यानी माइनस रूट सेवन को क्या कर दो, प्लस कर दो, समझे। तो माइनस रूट सेवन प्लस रूट टू, देखो कैसा है ना, रूट टू माइनस रूट सेवन है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, रूट टू प्लस रूट सेवन, राइट। तो कॉन्जुगेट पेयर सेलेक्ट करते समय, क्योंकि बहुत बार ना जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, तो देखो क्या करने का, अभी यहां पे एक का साइन चेंज किया था ना, माइनस किया था, तो यहां पे माइनस साइन है तो उसको क्या कर दो, प्लस कर दो, तो उसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट पेयर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सम सॉल्व करते बाद जो डिनोमिनेटर है उसको अगर रेशनलाइज करना है और आपको दो इरेशनल नंबर का सम या सब्सट्रैक्शन दिया डिनोमिनेटर में, तो आपको कौन सा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट पेयर का। तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, रूट सेवन प्लस क्या है, रूट टू। तो आप ऐसे सिंपली लिख दो कॉन्जुगेट पेयर ऑफ रूट सेवन प्लस रूट टू इज रूट सेवन माइनस रूट टू। ठीक है, अभी क्या करोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे लिख दो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट सेवन माइनस रूट टू। तो बच्चों यहां पे इक्वल टू वन इंटू रूट सेवन माइनस रूट टू से आपने मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, रूट सेवन प्लस रूट टू एक ब्रैकेट में और रूट सेवन माइनस रूट टू दूसरे ब्रैकेट में। तो मल्टीप्लाई करने पर ये तो वैसे ही रहेगा और यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया रूट सेवन का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर। तो इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट सेवन माइनस रूट टू अपॉन रूट सेवन का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, सेवन, और रूट टू का स्क्वायर क्या होगा, टू। तो रूट सेवन माइनस रूट टू, सेवन माइनस टू क्या हो गया, फाइव। तो आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर यहां पर रैशनल नंबर हो गया ना,
मतलब हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। तो रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना। अब ये दोनों क्या थे, इरेशनल नंबर थे, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, रैशनल नंबर में, राइट। अब सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया बच्चों आपको, 3/2√5 − 3√2। तो अब इसका आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, कंजुगेट पेयर। तो आप क्या लिखोगे, कंजुगेट पेयर ऑफ 2√5 − 3√2 इज, खाली माइनस जो बीच में उसको क्या कर दो, प्लस कर दो, 2√5 + 3√2। फिर क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2√5 + 3√2। तो इक्वल टू का साइन दे दो, ब्रैकेट बना दो, तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया 2√5 + 3√2 से, और नीचे क्या आ गया, 2√5 − 3√2 एक ब्रैकेट में, 2√5 + 3√2 दूसरे ब्रैकेट में, कंजुगेट पेयर से आपने मल्टीप्लाई किया। ये 3 को आप अंदर भेजोगे तो भी चलेगा, या वैसे ही रखोगे तो भी चलेगा। तो 3 वैसे भी बाद में कॉमन निकालना होता है, तो बेटर है कि हम 3 को वैसे ही रख दें, ओके, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है, हमको किसको रैशनलाइज करना है, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो अब बच्चों यहाँ पर a − b a + b, तो क्या हो जाएगा, 2√5 का स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर इक्वल टू लिख देता हूँ, 3 × 2√5 + क्या हो गया, 3√2। अब बच्चों 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2। समझे बच्चों, ये 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 5, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2। तो यहाँ पे 3 आप वैसे ही रखो, 2√5 + 3√2, 4 5 जा 20 माइनस क्या हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ पे आंसर हो गया 3 2√5 + 3√2 / 2। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है रैशनल नंबर आ गया 2, मतलब हमने इसको क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। चलो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, एक बार चेक कर लो, 2 का स्क्वायर 4, 5 20, 9 टू 18, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 देखो बच्चों क्या दिया उसने, क्वेश्चन 3 में आपको कह रहा है 4/7 + 4√3 दिया है, राइट। तो सेम मेथड, आप पहले क्या लिखोगे, कंजुगेट पेयर ऑफ 7 + 4√3 इज 7 − 4√3। फिर लिखोगे मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7 − 4√3, ठीक है। कंजुगेट पेयर से आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो इज इक्वल टू 4, राइट। 7 − 4√3, इसको आप मल्टीप्लाई करके अंदर भेजोगे तो भी चलेगा, नहीं भेजा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे 7 + 4√3, उसको आपने मल्टीप्लाई किया 7 − 4√3 से, तो ये 4 हम ऐसे ही रखते हैं, 7 − 4√3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² − b², ठीक है। तो 4 7
माइनस फोर रूट थ्री, ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया 49, माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, रूट थ्री का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा 47 माइनस 4 रूट थ्री अपॉन 49 माइनस क्या हो गया 48। अब 49 माइनस 48 करोगे तो 47 माइनस 4 रूट थ्री अपॉन यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, तो 1 कौन सा नंबर है रैशनल नंबर, मतलब ये क्या हो गया रैशनलाइज हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 क्या दिया आपको, क्वेश्चन 4 आपको दिया हुआ है रूट फाइव माइनस रूट थ्री अपॉन रूट फाइव प्लस रूट थ्री। ठीक है, तो चलो तो आप लिखोगे कंजुगेट पेयर ऑफ रूट फाइव प्लस रूट थ्री इज रूट फाइव माइनस रूट थ्री, राइट। तो फिर यहां पर मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट फाइव माइनस रूट थ्री, तो इक्वल टू का साइन दे दो, तो यहां पे क्या आ जाएगा रूट फाइव माइनस रूट थ्री को आपने मल्टीप्लाई किया रूट फाइव माइनस रूट थ्री से अपॉन रूट फाइव प्लस रूट थ्री और रूट फाइव माइनस रूट थ्री। तो बच्चों ये देखोगे तो सेम टर्म आ गया ना, तो इसको क्या लिख दोगे रूट फाइव माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दो, अगर स्क्वायर वगैरह आता है तो सॉल्व कर देने का, फिर रूट फाइव का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, तो ये सॉल्व करने पर क्या आएगा ए स्क्वायर मतलब रूट फाइव का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस क्या आ गया बी का स्क्वायर, और यहां पे नीचे क्या आ जाएगा बच्चों फाइव माइनस थ्री, तो फिर ये हो गया फाइव माइनस टू रूट फिफ्टीन प्लस थ्री अपॉन क्या आ गया टू, और फाइव प्लस थ्री क्या हो गया एट हो गया, एट माइनस टू रूट फिफ्टीन अपॉन क्या हो गया टू। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है 2 आ गया, मतलब डिनोमिनेटर क्या हो गया रैशनलाइज हो गया। चलो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5। अभी बच्चों प्रैक्टिस से 2.5, प्रैक्टिस से 2.5 में आप एक नई चीज सीखने वाले हो जिसको आप कहते हो एब्सोल्यूट वैल्यू। अब बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है, कोई भी नंबर हो उस नंबर के साथ में हमेशा एक साइन लगा रहता है, राइट, प्लस साइन या फिर क्या रहता है माइनस साइन। ये साइन को नहीं लिखना, यानी खाली क्या लिखना एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना। जैसे मान लो कोई नंबर ऐसे लिखा गया, राइट, तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फाइव या मॉडुलस ऑफ फाइव, इसको दूसरा टर्म होता है मॉड्यूलस। ये जो दो लाइन हमने ड्रॉ की ना उसके अंदर जो नंबर लिखा उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस। तो प्लस फाइव का मॉड्यूलस वैल्यू क्या होता है फाइव होता है, या एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है फाइव। तो अगर नंबर पॉजिटिव है ना तो फाइव लिखने का मतलब है हमने इसको बिना साइन के लिख दिया, मतलब आगे पॉजिटिव साइन अज्यूम किया गया, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब वो साइन नहीं है। अब यहां पर अगर मैंने माइनस रूट फाइव लिखा तो अब ये माइनस फाइव लिखा तो माइनस फाइव है ना, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा फाइव होगा बिना साइन के। तो एब्सोल्यूट वर्ड क्या होता है केवल वैल्यू, समझे। अब बताओ अगर ऐसे लिखा है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा एक्स होगा, और अगर मॉड्यूलस के बीच में एक्स लिखा तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा एक्स होगा। बहुत से बच्चे उल्टा याद रखते हैं प्लस फाइव रहेगा तो माइनस फाइव, नहीं ऐसा नहीं, प्लस फाइव रहेगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइव है और माइनस फाइव रहेगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है फाइव है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब बिना साइन के लिखने का, ठीक है। तो चलो
अब सॉल्व करते हैं। तो आपको कह रहा है कि यहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मॉडुलस ऑफ 15 माइनस 2। सॉल्व किया तो 15 माइनस 2 क्या आ गया, 13 आ गया ना, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 13 होगा, है ना, इजी, ठीक है। अब सेकेंड, मॉडुलस ऑफ 4 माइनस 9, ठीक है, 4 माइनस 9 है तो 4 माइनस 9 क्या होता है, माइनस 5 होता है। अब अगर आप ये बिना दोनों लाइन के लिखोगे तो मॉडुलस से बाहर आ गया तो क्या हो गया, 5 हो गया, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गया, 5। अब साइंस समझ चुके हो कि एब्सोल्यूट वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन देख लो, हाँ, यहाँ पे रूट 7, सॉरी मॉडुलस ऑफ 7, वो बार बार रूट के नंबर सिखा करके ना नॉर्मल नंबर को भी अब रूट बोलने का हैबिट लग गया है, तो माइनस 4। अच्छा बच्चों, अब इसमें एक बात का ध्यान रखना, पूरा मल्टीप्लाई करके फिर एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं फाइंड करने का, ये क्या है, अब मॉडुलस ऑफ 7 है ना, तो 7 हो जाता है मॉडुलस से पहले बाहर निकाल लेने का, इनटू का साइन वैसे रहेगा, मॉडुलस ऑफ माइनस 4 क्या होगा, 4 होगा, तो आंसर क्या आ गया, 28। या फिर आप दोनों को मॉडुलस में डाल करके फिर भी बाहर निकाल सकते हो, समझ गया। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। ओके बच्चों, प्रैक्टिस 2.5 क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दो आपको क्या कर रहा है, मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 दिया है। तो बच्चों अब ये जो मॉडुलस में से बाहर आएगा तो फिर अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहां पे क्या आ गया, इक्वल टू साइन आ गया, तो इक्वल टू साइन आ गया, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, जब आप 3x माइनस 5 को मॉडुलस से बाहर निकालोगे तो फिर वापस उसको साइन आ जाएगा, जब तक मॉडुलस के अंदर था साइन नहीं था, मॉडुलस के बाहर आते ही या अगर ये प्लस था तो प्लस ही रहा था, माइनस था तो भी प्लस हो गया था, तो ये मॉडुलस हटाते ही यहां पे क्या आ गया, प्लस माइनस 1 आ गया, मतलब इसका वैल्यू प्लस 1 होगा या फिर क्या होगा, माइनस 1 होगा। तो अब यहां पे क्या क्या जाएगा, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस 1 और 3x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1, ये बच्चों समझ में आ गया। अब आपने तो सीखा हुआ है ना कि ये 3x वैसे रहेगा, माइनस 5 वो साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहां पे 3x माइनस 1, माइनस 5 वहां जाके क्या हो गया, प्लस 5 हो गया, तो ये 3x इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया, और 3x इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया, तो x इज इक्वल टू यहां पे क्या आ गया, 6/3, और x इज इक्वल टू क्या आ गया, 4/3, तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4/3, है ना, बहुत इजी। तो खाली याद रखने का, जब x वगैरह ऐसा वैल्यू दिया रहे, अगर आपको खाली ऐसे भी पूछा इज इक्वल टू 1 तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू या तो माइनस होगा या फिर प्लस होगा, तभी तो आप माइनस भी अगर मॉडुलस में रखते हो तो प्लस होता, प्लस भी रखते हो तो प्लस ही रहता है, समझे, इसीलिए मॉडुलस साइन जब हटाते हो और इक्वल टू साइन देगा तो उसके अगला नंबर पर प्लस माइनस में से कोई भी एक साइन, दोनों साइन आएगा, प्लस और माइनस दोनों साइन आएगा, ठीक है। चलो अब ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अभी सेकेंड क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं। 7 माइनस 2x मॉडुलस में दिया है, इज इक्वल टू क्या दिया है, 5 दिया है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2x प्लस माइनस 5, तो यहां पे क्या आ गया, 7 माइनस 2x प्लस 5, 7 माइनस 2x माइनस 5, राइट। अब बच्चों ये माइनस 2x आप ऐसे ही रखो, 5, 7 वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 7, और यहां पे माइनस 2x माइनस 5 प्लस 7, तो माइनस 2x, 5 में से 7 गया माइनस 2, माइनस 2x, माइनस 5 प्लस 7 प्लस 2, गड़बड़, माइनस 5 ये प्लस 7 वहां जाके क्या हो गया, माइनस 7 हो गया ना, तो माइनस 5 माइनस 7 माइनस 12, सॉरी, ठीक है। अब यहां पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2 अपॉन माइनस 2, और x इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 6, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। ओके, क्वेश्चन 1 और 2 हम सॉल्व कर चुके हैं, अब क्वेश्चन 3,
क्या दिया है, 8 माइनस एक्स अपॉन टू इन मॉडुलस इज इक्वल टू 5। तो बच्चों एज यूजुअल 8 माइनस एक्स अपॉन टू, आपने मॉडुलस साइन हटा दिया तो प्लस माइनस 5 हो गया, मतलब अपॉन टू का एक वैल्यू प्लस 5 और 8 माइनस एक्स अपॉन टू माइनस 5। तो अब ये 2 यहां डिवाइड करा तो वहां जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो 5 इंटू 2 और 8 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू 2। तो बच्चों यहां पे 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 हो गया और 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 10 हो गया। हाँ, ध्यान देना, साइन का ध्यान रखने का। तो बच्चों यहां पे माइनस एक्स तो वैसे ही रहेगा, 10 प्लस 8 वहां जाके क्या हो गया, माइनस 8 हो गया, और यहां पे माइनस एक्स वैसे रहेगा, माइनस 10 और क्या हो गया, माइनस 8 हो गया। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 और माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 18, राइट। तो फाइनली आपको यहां पे x का वैल्यू क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 18। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस साइन कैंसिल होकर x इज इक्वल टू कितना हो गया, 18 हो गया, राइट। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन, तो x का वैल्यू यहां पे कितना मिला आपको, 2 या फिर क्या मिला, माइनस 2 या 18, राइट। चेक कर लो एक बार, 8 माइनस एक्स 10, माइनस 6 था करके माइनस 2 और वहां पे प्लस 18, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, ठीक है, देखो क्या दिया है, 5 प्लस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू 5, मॉडुलस में दिया है, राइट। सॉल्यूशन तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस एक्स अपॉन 4 मॉडुलस से बाहर निकला तो क्या हो गया, प्लस माइनस 5 हो गया, ठीक है। तो अब यहां पे 5 प्लस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू प्लस 5 और 5 प्लस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 5। तो अब x अपॉन 4 को आप वैसे ही रखो, 5 माइनस क्या हो गया, 5 हो गया, x अपॉन 4 को वैसे रखो, माइनस 5 और क्या हो गया, माइनस 5 हो गया, प्लस 5 आ जाके क्या हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। तो बच्चों x अपॉन 4 इज इक्वल टू यहाँ 0 आ गया और x अपॉन 4 माइनस 10 आ गया, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 इंटू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 10 इंटू 4, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 40। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा या फिर x का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस 40 मिलेगा, ठीक है, ओके। तो बच्चों इसके साथ हमारा इस लेसन के सारे प्रैक्टिस सेट खत्म होते हैं, राइट। आप इस वीडियो को बार बार देखो, प्रैक्टिस करो और फिर ये सब सॉल्व करके मुझे भेजो। और बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो को लाइक करना मत भूलो, वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भेजो, उनसे सब्सक्राइब करवा के लो, राइट। थैंक यू बच्चों।